তো এনে ধরনের কিছুমান মুভমেন্ট আমি রখাব লাগিব। करके दंगा खड़े करने का काम भी आज समाज में कर रहे हैं बंधुओं, और यह अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का एक छोटा सा हमारे सामने ट्रेलर है। बंधुओं, पिछले दो सालों में आप लोगों ने देखा होगा कि आज कैंपस जितने एंटी नेशनल और एंटी सोशल एक्टिविटीज हो रहा है उसका सेंटर बन गया है। ये नहीं कि पहले इसके काम नहीं होते थे, लेकिन विद्यार्थी परिषद जब से इसको एक्सपोज करना शुरू किया, ये लोग जो दिया बुझने के करीब आता है वो जोर से जलने लगता है। इसके कारण उनका काम अभी कैंपस में भारत तेरी टुकड़े होंगे से लेके भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी ऐसे नारों के जरिए हमारे सामने आगे आने लगते हैं बंधुओं। वो जेएनयू में भारत तेरी टुकड़े होंगे या भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी ऐसा नारा हो, या हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक फेक दलित सर्टिफिकेट लेके पढ़ता हुआ छात्र का सुइसाइड को कास्ट ऐसे कंफ्लिक्ट के जरिए समाज में तकरार खड़ा करने का कोशिश हो, यह सब कैंपस से शुरू होता अभी दिखाई दे रहा है। बंधुओं, जब जेएनयू कैंपस में भारत तेरे टुकड़े होंगे का नाराबाजी हुआ, जेएनयू कैंपस में जब हिंदुस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद ऐसा नारा लगने लगा, तो मैं ये गर्व के साथ कहता हूँ जब ऐसे दो तीन कैंपस में उसके सपोर्ट में नारा लगने लगे तो विद्यार्थी परिषद हमारे देश में ऐसा एक संगठन था जो 5000 कैंपस में उसका बदला नहीं बदलू, और 5000 कैंपस में हमारे कार्यकर्ता उन गद्दारों को जो अफजल गुरु और एकुमेनन की जय जयकार करते हैं उनको ये सुनाकर बोले, सुनो देश की गद्दारों, हम ना हिम्मत हारेंगे, तुम चाहे ऐसे लाख अफजल एकु पैदा करो, हमारे जवान तो क्या, हम खुद में दम है जो चुन चुन कर मारेंगे, ऐसा नारा